चले नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैं प्रतीक जैन आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए ताकि हमारे सेशन की शुरुआत हो सके सभी को नमस्कार जय हिंद जय भारत जल्दी से क्लास से जुड़िए सभी बच्चे जल्दी से क्लास से जुड़िए सभी को गुड इवनिंग नमस्कार जल्दी से क्लास से जुड़ते जाओ राहुल जी गुड इवनिंग जल्दी से क्लास जुड़िए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने इस टॉपिक की शुरुआत की थी और इस टॉपिक का जो पार्ट वन है वो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था अब इसी टॉपिक का जो पार्ट टू है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है इस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है वो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ अर्थात इस रिपोर्ट का अध्ययन मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोग करने वाले हैं इसके अलावा जो भी न्यू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म पर आए हैं उनको मैं बता दूं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं अनएकेडमी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप एम एंड व्यापम की तैयारी अनएकेडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ कर सकते हैं यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स की टीम है जो कि आपको गाइड कर रही है एमबीपीएससी प्री प्लस मेन्स और व्यापम के द्वारा आयोजित कराए जाने वाले एग्जाम्स के लिए इसके लिए अन प्लस पर आपको आना होता है और अनकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे आप सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अनएकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको वहाँ पर लॉग इन करना है लॉग इन करने के बाद आपसे गोल पूछा जाएगा और आपको गोल सेट करना है एम पी एस सी एंड व्यापम और वहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको जाना है तो यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से ब्लैक कलर की विंडो देख पाएंगे और यहाँ पर आप अपनी सुविधा अनुसार तीन महीने छ महीने बारह महीने या चौबीस महीने में से किसी एक ड्यूरेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं और अनएकेडमी प्लस पर आ सकते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेफरल कोड का ऑप्शन आ रहा है और यहां पर आपको अप्लाई करना है पी वाई टी लाइव वाई टी लाइव ये मेरा रेफरल कोड है और जैसे ही आप इस कोड को अप्लाई करते हैं तो टोटल फीस में आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट हो जाता है और इस तरह से आप अनएकेडमी प्लस पर आ सकते हैं और एम बी एस सी प्री प्लस मेन्स और व्यापम के वन डे एग्जाम्स की संपूर्ण तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं चलिए तो ये कुछ बातें थी अनकेडमी से संबंधित अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं और आज की क्लास का जो हमारा मेन मुद्दा है दोस्तों वो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट इसका हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं अध्ययन करने वाले हैं ठीक है तो सभी को नमस्कार गुड इवनिंग जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ चलो हेडिंग डाल दीजिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडिंग डालिएगा भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडिंग क्या डालोगे भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का हम लोग यहां पर अध्ययन कर रहे हैं और आज मैं आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस रिपोर्ट का अध्ययन करवाने वाला हूं मध्य प्रदेश के संदर्भ में इस रिपोर्ट का हम लोग यहां पे अध्ययन करने वाले हैं चलिए समझिएगा इस बात को दोस्तों कल मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट होती है भारतीय वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होती है यह दो वर्ष के अंतराल से जारी की जाती है अर्थात यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून के द्वारा तैयार किया जाता है और भारत सरकार का केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस रिपोर्ट को जारी करता है तो अभी हाल ही में पिछले महीने 13 जनवरी 2022 को भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 वाली जारी की गई है और इस रिपोर्ट में हमारे भारत में वनों की क्या स्थिति है भारत में राज्यवार वनों के क्या आंकड़े हैं केंद्र शासित प्रदेशों में वनों की क्या स्थिति है इन सभी मुद्दों पर हम लोगों ने कल की क्लास में चर्चा कर ली थी अब इसी क्रम में मैं आपको आगे बढ़ा रहा हूं और मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या बातें हैं ये हम लोग यहां पर सीखने वाले हैं हमारे मध्य प्रदेश में वनों का दायरा कितना है ये सब कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वन बाय वन मेरे साथ लिखते जाइएगा और चीज़ों को समझते भी जाइएगा चलो वन बाय वन पॉइंट्स लिखते जाइएगा और मेरे साथ समझते जाइएगा मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तो लिखिएगा वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपको चीजें बताऊंगा आप, आप लोग मेरे साथ बस चलते जाइए तो वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है सतहत्तर हजार चार सौ दशमलव शून्य वर्ग किलोमीटर ठीक है इतने वन हमारे मध्य प्रदेश में हैं ठीक है क्या कहा मैंने भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार यदि आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है सतहत्तर हजार चार सौ बानवे दशमलव छह शून्य वर्ग किलोमीटर वन हमारे मध्य प्रदेश में है और ये वाला जो आंकड़ा है ये मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है तो लिख लीजिए जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का जो कि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का पच्चीस दशमलव एक चार प्रतिशत भाग है प्रतिशत भाग वनों का है इससे हमें यह समझ में आ रहा है आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है तीन लाख आठ हजार दो सौ बावन वर्ग किलोमीटर उसमें से सतर हजार चार सौ बानवे दशमलव छह शून्य वर्ग किलोमीटर पे वन फैले हुए हैं तो यदि आप टोटल एरिया को 100 परसेंट मान लेंगे तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में से 25.14 प्रतिशत भाग क्या है वनों से ढका हुआ है वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश में और याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो हमारे मध्य प्रदेश ही है मतलब ये कह सकते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा वनों का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव का विषय है अब यदि आपसे कभी पूछा जाए कि जो सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव छः शून्य वर्ग किलोमीटर वन एम में है ये भारत की वन भूमि का लगभग कितने प्रतिशत है तो ये भी लिख लीजिए कि भारत की वन भूमि का भारत की वन भूमि का भारत की वन भूमि का लगभग भारत की वन भूमि का लगभग टेन पॉइंट एट प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इस पॉइंट के माध्यम से मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भारत में जो कुल वन है उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है तो भारत में जो कुल वन भूमि है उसमें एम का हिस्सा है टेन पॉइंट एट परसेंट ये वाली बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है ठीक है अब अगला प्रश्न यह बनता है कि मध्य प्रदेश का जो वनावरण है ये पिछली रिपोर्ट की तुलना में बढ़ा है कि घटा है यह हमें पता करना होगा तो आपको जानकर खुशी होगी कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में हमारे मध्य प्रदेश का जो वनावरण है ये बढ़ा है यह बहुत अच्छी बात मानी जाती है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में पिछली रिपोर्ट की तुलना में ध्यान रखना यहां पे वन क्षेत्रफल भी लिखोगे तो भी काम चलेगा है ना यहां पे कुल शब्द हटा दो मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रफल में ऐसा कर लो ठीक है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में टेन पॉइंट वन वन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है क्षेत्र की वृद्धि हुई है ठीक है ध्यान रखना तो क्या कहा मैंने दोस्तों मध्य प्रदेश का जो ये वन क्षेत्र है सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव शून्य वर्ग किलोमीटर इसे आप यदि पुरानी रिपोर्ट से कंपैरिजन करोगे पुरानी रिपोर्ट से यदि आप कंपैरिजन करोगे तो आप क्या पाओगे तो पुरानी रिपोर्ट से कंपैरिजन करने पर आप यह पाओगे कि पिछली रिपोर्ट की तुलना में हमारे मध्य प्रदेश का जो वन क्षेत्र है वो टेन वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है कैसे पता चला तो देखो वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 वाली थी वन स्थिति रिपोर्ट जो 2019 वाली थी उसके अनुसार यदि हम बात करें पुराने डाटा की मैं बात कर रहा हूँ तो वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था तो मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र था मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र था सतहत्तर चार सौ बयासी दशमलव चार नौ वर्ग किलोमीटर था इतना पहले था और अब कितना हो गया तो पहले था सतहत्तर चार सौ बयासी दशमलव चार नौ वर्ग किलोमीटर अब हो गया सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव शून्य वर्ग किलोमीटर तो आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में टेन पॉइंट वन वन वर्ग किलोमीटर दस दशमलव एक एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की वृद्धि हुई है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना था सतहत्तर चार दशमलव वर्ग किलोमीटर था और अब हो गया है सतहत्तर चार वर्ग किलोमीटर अर्थात आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं साफ साफ 10.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनों का एमपी में बढ़ गया है ठीक है यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि वन सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण जो 2021 वाला है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 वाली है इसमें आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल कर मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है अब इसका क्या मतलब हुआ इसमें तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये क्या कह रहे हो मध्य प्रदेश में तो बावन जिले हैं तो दो को छोड़ क्यों दिया क्या छोड़ दिया कैसे छोड़ दिया तो समझने की कोशिश करना तो मैंने आपको तथ्य यह बताया है कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश के 50 जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में वर्तमान में बावन जिले हैं इक्यावनवा जिला है आगर मालवा बा और बावनवा जिला है निवाड़ी जिला तो इस रिपोर्ट में क्या किया गया है आगरमालवा और निवाड़ी को अलग से जिला नहीं माना गया निवाड़ी को टीकमगढ़ में ही समाहित मान लिया गया और आगर मालवा को शाजापुर में ही समाहित मान लिया गया ठीक है तो और आगर मालवा को एक माना गया और टीकमगढ़ और निवाड़ी को एक माना गया इसी वजह से इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के पचास जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है मतलब ये वाली रिपोर्ट यदि आप देखोगे तो वहां पर पचास जिलों का डाटा एम में दिया गया है ठीक है तो ये वाली बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई तो इतनी बातें आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए चलो अब अगला प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश के जो ये जिले हैं सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर पाया गया सबसे कम कहाँ पे पाया गया प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहां पाया गया प्रतिशत के आधार पर सबसे कम कहां पाया गया ये वाला डाटा भी हमारा तैयार होना चाहिए तो मेरे साथ हेडिंग डालिए शीर्ष पांच शीर्ष पांच सर्वाधिक शीर्ष पांच सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले शीर्ष पांच सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन से हैं मध्य प्रदेश के पांच ऐसे जिले बताइए क्रम से जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार और यहां पर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे किसके आधार पर बात करेंगे तो यहां पर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो बड़ा सुंदर लगेगा देखने में तो यहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिएगा मेरे साथ चलिए अब यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पाया गया है तो दोस्तों आप लोगों का उत्तर होना चाहिए बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों वाला जो जिला है वो है आपका बालाघाट लिखते जाइएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों वाला जो जिला है वो है बालाघाट जिला और बालाघाट जिलों में बालाघाट जिले में वनों का दायरा कितना है चार हजार नौ सौ तेईस वर्ग किलोमीटर बालाघाट में चार हजार 923 वर्ग किलोमीटर में क्या है वन है ठीक है ये लिख लीजिएगा ठीक चलो क्लियर तो शीर्ष पांच शीर्ष पांच सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले प्रदेश के जिले कौन से हैं? तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आपको रखना है बालाघाट फर्स्ट नंबर पे किसको रखना है बालाघाट को रखना है और बालाघाट में वन क्षेत्र कितना है तो चार हजार नौ सौ तेईस वर्ग किलोमीटर में यहां पे क्या है वन है फर्स्ट नंबर पे ये हो गया सेकंड नंबर पे बताना है आपको छिंदवाड़ा सेकंड नंबर पे किसका नाम आएगा भाई तो सेकंड नंबर पे नाम आएगा छिंदवाड़ा का सेकंड नंबर पे नाम किसका आएगा छिंदवाड़ा का नंबर आएगा सेकंड नंबर पे छिंदवाड़ा का नाम आता है वन क्षेत्र के मामले में और छिंदवाड़ा का वन क्षेत्र कितना पाया गया है चार हजार सौ आठ चार हजार सौ आठ वर्ग किलोमीटर कितना पाया गया है चार हजार सौ आठ वर्ग किलोमीटर यह छिंदवाड़ा का वन क्षेत्र है ठीक है फिर थर्ड नंबर पे है दोस्तों बैतूल थर्ड नंबर पे है आपका बैतूल और बैतूल का कितना है भाई तो बैतूल का जो वन क्षेत्र है वो है छत्तीस तिरसठ छत्तीस तिरसठ वर्ग किलोमीटर छत्तीस तिरसठ वर्ग किलोमीटर ये क्या है बैतूल का वन क्षेत्र है फिर चौथे नंबर पे है श्योपुर चौथे नंबर पे कौन है तो चौथे नंबर पे है आपका श्योपुर और श्योपुर का है चौंतीस चवालीस श्योपुर का कितना है तो श्योपुर का है चौंतीस चवालीस वर्ग किलोमीटर चौतीस चवालीस वर्ग किलोमीटर ये किसका है तो चौंतीस चवालीस जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वन क्षेत्र है वो श्योपुर का है और सिवनी की बात करें तो पांचवें नंबर पे सिवनी का नाम आएगा पांचवें नंबर पे किसका नाम आएगा तो पांचवें नंबर पे सिवनी का नाम आएगा और सिवनी का कितना है भाई तो सिवनी का है तीस तिरसठ तीस तिरसठ वर्ग किलोमीटर तीस तिरसठ वर्ग किलोमीटर यह किसका है सिवनी जिले का वन क्षेत्र है तो इस तरीके से कंटिन्यू में मैंने आपको पांच बता दिए हैं और यह आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है यह आपको क्या करना है बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है एक बार मैं फटाफट से फिर से रिपीट कर दे रहा हूं यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है तो यहां पर यहां पर आपको शीर्ष पांच सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले मैंने आपको बताए क्षेत्रफल के आधार पे तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पे है बालाघाट में है और बालाघाट का वन क्षेत्र है चार वर्ग किलोमीटर सेकेंड नंबर पे है छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा का कितना है छियालीस जीरो आठ चार हजार छह सौ आठ वर्ग किलोमीटर छिंदवाड़ा का वन क्षेत्र है थर्ड नंबर पे है बैतूल और बैतूल का कितना है छत्तीस तिरसठ वर्ग किलोमीटर है फोर्थ नंबर पे है श्योपुर और श्योपुर का कितना है चौतीस चवालीस वर्ग किलोमीटर है पांचवे नंबर पे है सिवनी और सिवनी का कितना है तीस तिरसठ वर्ग किलोमीटर है तो इस तरीके से जो पांच हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। हैं हैं। ये ये जो पांच आपको ध्यान रखने साक्षी का प्रश्न आया है कि सबके डाटा याद रखना जरूरी है क्या तो देखिए साक्षी मैं आपको सलाह ये दूंगा कि जो टॉप फाइव हैं टॉप फाइव हैं इनके नाम तो कम से कम याद कर ही दो और जो वनों वाला डाटा है वो कम से कम टॉप थ्री का याद कर लो इतना तो आप कर ही सकते हैं ठीक है तो ये हम लोगों ने शीर्ष पांच सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले तैयार किए चलो अब जस्ट उल्टा कर लेते हैं अब इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं इसी का जस्ट उल्टा कर लेते हैं दोस्तों और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले न्यूनतम वन क्षेत्र वाले न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले और किस आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे वन क्षेत्र के आधार पर हम लोग बात करेंगे ठीक है चलो तो यहां पर भी आपको वही करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है यह देखने में भी अच्छा लगता है और आपको पढ़ने में भी जल्दी याद हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना मेरे साथ चलो समझते हैं दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले मतलब मध्य प्रदेश के ऐसे जिले जहां पर सबसे कम वन पाई जाती हैं उन जिलों की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा सबसे पहले नंबर पे नाम आता है उज्जैन का इस क्रम में यदि हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है उज्जैन का सबसे पहला नाम किसका आता है उज्जैन का और उज्जैन में उज्जैन में मात्र सैंतीस वर्ग किलोमीटर में क्या है वन है कितना मात्र सैंतीस वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है उज्जैन का तो मात्र 37 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है उज्जैन का इसलिए उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है ठीक है उज्जैन जो है ये एमपी का सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है ठीक चलो तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिलों की हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के आधार पे तो सबसे कम वन क्षेत्र है उज्जैन का मात्र सैंतीस वर्ग किलोमीटर सेकेंड नंबर पर नाम आता है शाहजहापुर सेकेंड नंबर पर किसका नाम आता है तो सेकेंड नंबर पर शाहजहापुर का नाम आता है और शाहजहापुर में है बासठ सिक्सटी टू वर्ग किलोमीटर कितना है बासठ सिक्सटी टू वर्ग किलोमीटर जो है ये शाहजहापुर जिले का वन क्षेत्र है ठीक ध्यान रखना फिर थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम और रतलाम का कितना है भाई तो रतलाम का है सेवेंटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर पचहत्तर वर्ग किलोमीटर यहाँ का वन क्षेत्र है रतलाम जिले का ठीक फोर्थ नंबर पे है आपका राजगढ़ फोर्थ नंबर पे कौन है तो फोर्थ नंबर पे है आपका राजगढ़ और राजगढ़ का कितना है तो राजगढ़ का 171 है तो थोड़ा सा ऊंचा ग्राफ बनाइएगा 171 है राजगढ़ का कितना है 171 स्क्वायर किलोमीटर है ये राजगढ़ का हो गया 171 चौथे नंबर पे हो गया और पांचवें नंबर पे है आपका दतिया पांचवें नंबर पे कौन है आपका दतिया और दतिया का है 213 तो दतिया का तो और ऊंचा बनाना पड़ेगा भाई दतिया का कितना है 213 है ठीक है कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया थोड़ा सा कम कर लो भाई ठीक है चल मतलब ये समझने की सुविधा की दृष्टि से है इसलिए मैं आपको ये ग्राफिकल रूप से बता रहा हूँ तो इससे क्या है याद जल्दी रहता है ठीक है चलो तो ये होगा आपका दतिया का 213 सौ वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र दतिया जिले में है कितना 213 सौ वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कहां पे है दतिया जिले में है ठीक चलो तो यहां पे दोस्तों हम लोगों ने क्या याद किया यहां पर हम लोगों ने ये याद किया कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे कम वन कहाँ पे है तो सबसे कम वन है उज्जैन में मात्र सैंतीस वर्ग किलोमीटर वन है यहां पे सेकेंड नंबर पे है शाजापुर शाजापुर का आंकड़ा क्या है बासठ वर्ग किलोमीटर वन है यहाँ पे थर्ड नंबर पे है रतलाम और रतलाम का कितना है पचहत्तर वर्ग किलोमीटर है ठीक है फोर्थ नंबर पे है राजगढ़ और राजगढ़ का कितना है वन सेवेंटी वन स्क्वायर किलोमीटर है एक सौ इकहत्तर वर्ग किलोमीटर वन है यहाँ पे और पाँचवें नंबर पर है दतिया पाँचवें नंबर पर है दतिया और दतिया में दो वर्ग किलोमीटर वन है कितने हैं दो वर्ग किलोमीटर वन कहां पे है दतिया में है ठीक है चल तो इस तरीके से यदि आप याद रखोगे तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जो पांच जिले हैं वो क्रम से आपको यहां पे याद हो जाएंगे ठीक चल क्लियर बात समझ में आ गई यहां तक की आई होप आपको यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी चल अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं प्रतिशत के आधार पर हम बात करेंगे तो यहां पर हेडिंग डाल दीजिए शीर्ष पांच सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले पहले हम लोगों ने क्षेत्रफल के हिसाब से बात की अब हम लोग प्रतिशत के हिसाब से बात करेंगे अब हम लोग किसके हिसाब से बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे अब हम लोग किस आधार पर बात करेंगे तो अब हम लोग जो बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे ठीक है चलो तो फिर से वही काम है जो हम पहले से करते आए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे चलो चलो अब देखेगा यहां पर हमारा क्या प्रश्न है तो यहां पर आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि शीर्ष पांच ऐसे जिले बताओ जहां पर सर्वाधिक वन प्रतिशत पाया गया है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार तो शीर्ष पांच सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले हम देख रहे हैं और इसमें टॉप पे है आपका बालाघाट इसमें टॉप पे कौन है तो टॉप पे है आपका बालाघाट टॉप पे है आपका बालाघाट सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो बालाघाट जिले का है ध्यान रखिएगा कितना है तिरपन प्रतिशत है तो पहला नंबर पे कौन है फॉरेस्ट परसेंटेज के मामले में पहले नंबर पे है बालाघाट और बालाघाट का फॉरेस्ट परसेंटेज है फिफ्टी थ्री परसेंट सेकेंड नंबर पे है श्योपुर सेकेंड नंबर पे कौन है तो सेकेंड नंबर पे है आपका श्योपुर और श्योपुर का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है बावन प्रतिशत कितना है बावन प्रतिशत है फिफ्टी टू परसेंट है फिफ्टी टू परसेंट फिर थर्ड नंबर पे है उमरिया थर्ड नंबर पे है उमरिया और उमरिया का कितना है फोर्टी नाइन परसेंट है उमरिया का, का कितना है फोर्टी नाइन परसेंट है फोर्टी नाइन परसेंट फॉरेस्ट परसेंटेज है फोर्थ नंबर पे है मंडला फोर्थ नंबर पे है मंडला और मंडला का फोर्टी फोर परसेंट मंडला का कितना फॉरेस्ट परसेंटेज है तो यहां का फोर्टी फोर परसेंट है और फिफ्थ नंबर पे है सीधी फिफ्थ नंबर पे कौन है सीधी और सीधी का है फोर्टी वन परसेंट सीधी का कितना है फोर्टी वन परसेंट है ठीक है चलो जल्दी से रिपीट करो मैंने क्या बताया है तो दोस्तों मैंने आपको यहां पर शीर्ष पांच सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले बताए हैं प्रतिशत के आधार पर तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो बालाघाट जिले का है और कितना है तेरेपन प्रतिशत है दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि बालाघाट जिले का जो कुल क्षेत्रफल है बालाघाट जिले के कुल क्षेत्रफल में से तिरपन प्रतिशत हिस्से में फिफ्टी थ्री परसेंट हिस्से में क्या है वन है इसका मतलब ये हुआ सेकेंड नंबर पर है श्योपुर और श्योपुर का फॉरेस्ट परसेंटेज कितना है 52 परसेंट है ध्यान रखना थर्ड नंबर पे है उमरिया थर्ड पे कौन है उमरिया और उमरिया का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है फोर्टी नाइन परसेंट ठीक फिर फोर्थ नंबर पे है मंडला और मंडला का कितना है फोर्टी फोर परसेंट कितना है फोर्टी फोर परसेंट है और फिफ्थ नंबर पे है सीधी पांचवें नंबर पे है सीधी और सीधी का है फोर्टी वन परसेंट तो इस तरीके से प्रतिशत के हिसाब से शीर्ष पांच जिले मध्य प्रदेश के आपको यहां पर ध्यान रखना है ठीक चलो इतनी बातें आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी अब इसी का जस्ट उल्टा कर दो यहां पर हम लोगों ने शीर्ष पांच ऐसे जिले 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 देखे जहां पर सर्वाधिक वन प्रतिशत है अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं न्यूनतम वन प्रतिशत न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के जिले तो अगला पॉइंट डालिए है, अगली हेडिंग डालिए न्यूनतम 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 वन प्रतिशत वाले न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के पांच जिले और किसके आधार पर हम बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के आधार पर हम लोग बात करेंगे ठीक है ध्यान रखना तो दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं अब न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के पांच जिले न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के पांच जिले और किसके आधार पर बात होगी प्रतिशत के आधार पर बात होगी चलिए सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए इसका भी जैसा अभी तक करते आए हैं चलिए तो यदि हम बात करें दोस्तों यदि हम बात करें न्यूनतम वन प्रतिशत के मामले में तो सबसे कम जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है आपके उज्जैन का सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज कहाँ का है उज्जैन का है यहां का फॉरेस्ट परसेंटेज है मात्र जीरो पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट जीरो पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट यहां पर क्या है फॉरेस्ट परसेंटेज है तो सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज या न्यूनतम वन प्रतिशत वाला मध्य प्रदेश का जिला है वो है उज्जैन सेकंड नंबर पे कौन है तो सेकंड नंबर पे है आपका शाजापुर। सेकंड नंबर पे कौन है आपका शाजापुर है सेकंड नंबर पे कौन है तो सेकंड नंबर पे है आपका शाजापुर और शाजापुर का है एक प्रतिशत ठीक है ध्यान रखिएगा शाजापुर का फॉरेस्ट परसेंटेज वन परसेंट है थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम और रतलाम का कितना है तो रतलाम का है 1.55 पॉइंट परसेंट वन परसेंट रतलाम का है फोर्थ नंबर पे है राजगढ़ फोर्थ तो तो नंबर पे कौन है तो फोर्थ नंबर पे है आपका राजगढ़ फोर्थ नंबर पे कौन है तो फोर्थ नंबर पे है आपका राजगढ़ और राजगढ़ का कितना है टू पॉइंट सेवन नाइन परसेंट टू पॉइंट सेवन नाइन परसेंट और फिफ्थ नंबर पे है मंदसौर फिफ्थ नंबर पे कौन है तो फिफ्थ नंबर पे, पे है आपका मंदसौर फिफ्थ नंबर पे आपका मंदसौर ठीक है और मंदसौर का कितना है फिफ्थ नंबर पे है आपका मंदसौर और मंदसौर का कितना है फोर पॉइंट थ्री फाइव परसेंट फोर पॉइंट थ्री फाइव परसेंट किसका है मंदसौर का है तो इस तरीके से न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के पांच जिले मैंने आपको क्रम से बताए हैं तो फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज कहां पे है उज्जैन में है और कितना है मात्र जीरो पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट इसका मतलब यह होता है दोस्तों इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उज्जैन जिले का जो कुल क्षेत्रफल है उसको हंड्रेड मान लो तो उज्जैन के कुल क्षेत्रफल में से मात्र शून्य दशमलव छह शून्य प्रतिशत पे वन है ध्यान रखिएगा तो ये सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज है उज्जैन का सेकंड नंबर पे है शाजापुर और शाजापुर का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है ये है वन परसेंट थर्ड नंबर पे है आपका रतलाम थर्ड नंबर पे कौन है रतलाम और रतलाम का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है वन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट रतलाम का जो फॉरेस्ट परसेंटेज है वो है वन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट फोर्थ नंबर पे है राजगढ़ फोर्थ नंबर पे है आपका राजगढ़ और राजगढ़ का कितना है परसेंट। फिफ्थ नंबर पे है आपका मंदसौर, फिफ्थ नंबर पे है आपका मंदसौर और मंदसौर का कितना है 4.35 परसेंट ठीक है चलो तो याद रखिएगा ये वाला जो क्रम है ये आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए सबसे कम फॉरेस्ट परसेंटेज उज्जैन का जीरो पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट सेकेंड नंबर पे शाजापुर वन परसेंट थर्ड नंबर पे रतलाम वन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट फोर्थ नंबर पे है राजगढ़ 2.79 परसेंट और फिफ्थ नंबर पे है आपका मंदसौर मंदसौर का कितना है 4.35 परसेंट ठीक है चलो तो ये जो प्रतिशत के हिसाब से क्रम है ये आपको यहां पे ध्यान रखना है जल्दी से मुझे बताइए यहां तक की बातें क्लियर हो गई हैं क्या जल्दी से मुझे बताइए दोस्तों आप लोगों को यहां तक की बातें स्पष्ट हो गई हैं क्या यदि यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे ठीक है मेहर ये स्पेशल क्लास के सेशन में हुआ था तो यदि आपने कवर कर लिया है तो इस क्लास को मत देखिए फिर स्पेशल क्लास के सेशन में मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया था ये यूट्यूब के बच्चों के लिए है चलो यहाँ तक की बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं यहाँ तक यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बहुत बढ़िया यहां तक की बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं चलिए अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं इसी में अब अगला प्रश्न बनता है अगला प्रश्न और बहुत प्यारा प्रश्न बनेगा मेरे साथ पॉइंट लिखिएगा कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 वाली जो है इसके अनुसार हमें बात करना है तो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 वाली जो है यदि आप इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे तो एमपी के 50 जिलों का डाटा आपके पास होगा तो आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक वन क्षेत्र की वृद्धि एमपी में हुई है और मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वनों में कमी देखी गई है सबसे ज्यादा कमी देखी गई है तो ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और आप पे बनना चाहिए तो मैं उसी प्रश्न का आपको उत्तर यहां पे आप दे रहा हूं तो लिख लीजिएगा मेरे साथ कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भिंड जिले के भिंड जिले के भिंड जिले के वन क्षेत्र में भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि लगभग 120 वर्ग किलोमीटर लगभग 120 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि यहां पे देखी गई है हुई है ठीक है तो क्या बताया मैंने आपको तो दोस्तों मैंने आपको यह बताया कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 2021 वाली है इसके अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो यहां पर एक वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है यदि हम पिछली रिपोर्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट 2019 वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार यहाँ पे क्या वन थे तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस ज़िले का वन क्षेत्र इस जिले का वन क्षेत्र इस जिले का वन क्षेत्र कितना था तो इस जिले का वन क्षेत्र था एक सौ छः दशमलव सात पाँच वर्ग किलोमीटर था ठीक है तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस जिले का जो वन क्षेत्र था वो था 106.75 वर्ग किलोमीटर था जो वर्तमान में जो वर्तमान में बढ़कर जो वर्तमान में बढ़कर 226.56 वर्ग किलोमीटर हो गया है तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं दोस्तों कि वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है यहाँ पर लगभग 120 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है ये हमें कैसे पता चला तो ये हमने पिछली रिपोर्ट का और नई रिपोर्ट का आकलन करने से पता किया तो जो पिछली वाली रिपोर्ट थी वो थी वन रिपोर्ट दो तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भिंड जिले का जो वन क्षेत्र था वो था 106.75 वर्ग किलोमीटर और अब ये नई रिपोर्ट में कितना हो गया है तो अब ये नई रिपोर्ट में हो गया है 226.56 वर्ग किलोमीटर मतलब लगभग 120 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि भिंड जिले में दर्ज की गई है ध्यान रखिएगा तो सर्वाधिक वन वृद्धि कहां पर हुई है भिंड जिले में हुई है इसे पॉइंट को नोट डाउन करके रखिएगा और यदि आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वनों में सर्वाधिक कमी कहाँ पे आई है तो वो भी लिख लीजिए तो वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बड़वानी जिले के बड़वानी जिले के बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है और कितनी कमी दर्ज की गई है ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री वर्ग किलोमीटर देखी गई है ठीक है ध्यान रखिएगा अब पिछली रिपोर्ट से हमें तुलना करनी होगी तो वन रिपोर्ट 2019 की बात करें तो वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार इस जिले का वन क्षेत्र इस जिले का वन क्षेत्र कितना था तो इस जिले का वन क्षेत्र था 928, 928 वर्ग किलोमीटर था जो अब घटकर जो अब घटकर जो अब घटकर नौ वर्ग किलोमीटर ही रह गया है ठीक है तो भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है लेकिन बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी देखी गई है और यहां पर 23.63 वर्ग किलोमीटर जो वन क्षेत्र है इसमें कमी आई है ये कैसे पता चला हमें तो ये हमें ऐसे पता चला कि हमने पिछली रिपोर्ट से नई रिपोर्ट की तुलना की तो पिछली रिपोर्ट जो थी ना वन रिपोर्ट 2019 वाली जो थी इसमें हमारे बड़वानी जिले का वन क्षेत्र था नौ वर्ग किलोमीटर और अब ये नई रिपोर्ट में कितना हो गया है तो नई रिपोर्ट में अर्थात 2021 वाली रिपोर्ट में ये कितना हो गया है तो रिपोर्ट 2021 में ये हो गया है नौ वर्ग किलोमीटर अर्थात पिछली रिपोर्ट की तुलना में नई रिपोर्ट में 23.63 वर्ग किलोमीटर वनों में कमी देखी गई है कहां पे कमी देखी गई है बड़वानी जिले में कमी देखी गई है ठीक है तो वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी देखी गई है ये वाली बात ध्यान रखिएगा ठीक चलो जल्दी से बताइए यहां तक की बातें क्लियर हैं क्या यहां तक की यह बातें क्लियर है क्या सभी को मेरे साथ लिखते चलिए बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको चीजें बता रहा हूँ और आई होप ये सब चीजें आप तक पहुंच पा रही होंगी चलिए अब अगला पॉइंट जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में अति सघन वन मध्यम सघन वन ठीक है या सामान्य सघन वन और खुले वन कितने कितने हैं ये आपसे पूछा जा सकता है तो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं तो लिखिएगा हेडिंग डाल दीजिए मध्य प्रदेश के वनों का मध्य प्रदेश के वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल ठीक है हेडिंग क्या डाली मध्य प्रदेश के वनों का घनत्ववार क्षेत्रफल अब यहां पे आपको तीन प्रकार का डाटा देखने को मिलेगा यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में अति सघन वन कितने हैं अति सघन वन कितने हैं मध्य प्रदेश में अति सघन वन कितने हैं तो वो हैं छियासठ चौसठ दशमलव नौ पांच वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में अति सघन वन क्षेत्र कितना है तो अति सघन वन क्षेत्र वेरी डेंस फॉरेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट अति सघन वन क्षेत्र कितना है तो वो है छियासठ दशमलव नौ वर्ग किलोमीटर छ हजार सौ दशमलव नौ वर्ग किलोमीटर में एमपी में अति सघन वन है यदि आपसे पूछा जाए कि एमपी में सामान्य सघन वन सामान्य सघन वनों की क्या स्थिति है तो सामान्य सघन वन जो है वो 34000 हजार चौतीस हजार दो सौ नौ चौंतीस हजार नौ दशमलव शून्य दो वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं सामान्य सघन वन चौंतीस हजार नौ दशमलव शून्य दो वर्ग किलोमीटर में क्या है सामान्य सघन वन है और यदि आपसे पूछा जाए ओपन फॉरेस्ट अर्थात खुले वन खुले वन कितने क्षेत्र में हैं तो खुले वन जो हैं वो छत्तीस छ सौ अठारह छत्तीस सौ अठारह दशमलव छ तीन वर्ग किलोमीटर में है तो यदि आप इन तीनों का योग करोगे इन तीनों का आप योग करोगे तो कितना आ जाना चाहिए सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव छह शून्य वर्ग किलोमीटर आ जाना चाहिए यदि आपका ऐसा आ रहा है तो ये आपका मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र है तो हमने क्या किया कि 2021 की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एमपी का जो वनावरण है इसको तीन भागों में बांट लिया कौन कौन सी है अति सघन वन सामान्य सघन वन और खुले वन तो हमने ये जानने की कोशिश की कि अति सघन वन कितने एरिया में है सामान्य सघन वन कितने एरिया में खुले वन कितने एरिया में है तो जो अति सघन वन है वो कितने एरिया में है भाई छियासठ चौसठ दशमलव नौ पांच वर्ग किलोमीटर में है सामान्य सघन वन चौतीस दो सौ नौ दशमलव शून्य दो वर्ग किलोमीटर में है और खुले वन छत्तीस छह सौ अठारह दशमलव छह तीन वर्ग किलोमीटर में है इन तीनों का प्लस करोगे तो कितना आ जाना चाहिए सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव छह शून्य वर्ग किलोमीटर आ जाना चाहिए जो कि आ भी रहा है ठीक है चलो ठीक है चलो यहां तक की बातें क्लियर हो जाना चाहिए अब अगला प्रश्न आपका एक और पूछा जाएगा बिल्कुल एंड पे हम चल रहे हैं ये रिपोर्ट कंप्लीट होने वाली है सर्वाधिक सर्वाधिक अति सघन वन अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का ऐसा जिला बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा जिला बताइए जहां पर सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र है तो उस जिले का नाम है बालाघाट जिला सबसे ज्यादा जो डेंस फॉरेस्ट है वो सागर सॉरी बालाघाट जिले में है ठीक है सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है बालाघाट और बालाघाट में चौदह वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में क्या है अति सघन वन है ये वाली बात ध्यान रखिएगा ठीक है चलो क्लियर फिर अगला आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक सर्वाधिक सामान्य सघन वन क्षेत्र सर्वाधिक सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन है तो सर्वाधिक सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो भी बालाघाट ही है वो भी बालाघाट ही है और बालाघाट में जो सामान्य सघन वन क्षेत्र है वो कितना है दो वर्ग किलोमीटर यहां पे सामान्य सघन वन क्षेत्र है और थर्ड पॉइंट बनेगा आपका थर्ड पॉइंट जो बनेगा पूछा जाएगा सर्वाधिक खुले वन सर्वाधिक खुले वन सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है ठीक है सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला जो जिला है वो है श्योपुर यहाँ पे श्योपुर का नाम याद रखना है खुले वन के मामले में यहां पर दो वर्ग किलोमीटर दो वर्ग किलोमीटर क्या है खुले वन है तो यहां पर तीन डाटा मैंने आपको दिए हैं रिपीट कर लो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है तो वो है आपका बालाघाट सर्वाधिक सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला कौन है तो ये भी बालाघाट है लेकिन सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन है तो वो है श्योपुर यहां पर दो वर्ग किलोमीटर खुले वन है ठीक चलो और एक और अंतिम पॉइंट मैं आपको जो देना चाहता हूं उसके बाद आपकी ये वाली जो रिपोर्ट है यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो एक अंतिम पॉइंट और मेरे साथ लिख लीजिए फिर आपकी यह रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का अस्सी दशमलव सॉरी अस्सी चौवन वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र क्या है तो आठ हजार चौवन या अस्सी चौवन वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो वृक्षाच्छादित है वृक्षाच्छादित को आप वृक्षावरण भी कह सकते हैं ट्री कवर कह सकते हैं और कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ट्री कवर क्या होता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का यदि ट्री कवर एरिया पूछा जाए मध्य प्रदेश का यदि आपसे ट्री कवर एरिया पूछा जाए वृक्षावर पूछा जाए तो वो कितना है तो वो है आठ हजार चौवन वर्ग किलोमीटर है आई रिपीट मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा वृक्षावरण से है तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आठ हजार वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वृक्षाच्छादित है अर्थात ट्री कवर एरिया वाला चल।, चल आ बीच में वीडियो रुक गया था कुछ टेक्निकल इश्यू था लेकिन अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं जल्दी से बताइए वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या मेरा वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो रुक गया था लेकिन अब हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं जल्दी से बताइए वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या कुछ टेक्निकल इशू के कारण हमारा वीडियो रुक गया था लेकिन उसे अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं चलिए अब कंटिन्यू है अब आप लोग देख पा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम अंतिम तथ्य की ही चर्चा कर रहे थे कि यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र वृक्षाच्छादित है अर्थात ट्री कवर एरिया वाला है मतलब यहाँ पर वृक्षावरण की बात चल रही है तो यदि आपसे कभी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का वृक्षावरण कितना है ऊपर मैंने आपको जो पढ़ाया वो मध्य प्रदेश का वनावरण है और यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का वृक्षावरण कितना है तो वो है आठ हजार चौवन वर्ग किलोमीटर ठीक है तो पॉइंट याद रखना है यहां पे कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आठ हजार चौवन वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये वृक्षाच्छादित है अर्थात ट्री कवर एरिया है अर्थात वृक्षावरण है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस क्षेत्र में दो सौ स्क्वायर किलोमीटर की कमी पाई गई है मतलब कहने का यह है कि मध्य प्रदेश के बनावरण में तो वृद्धि हुई है लेकिन जो वृक्षावरण है उसमें हमें कमी देखने को मिली है दो वर्ग किलोमीटर की कमी इसमें पाई गई है ठीक है चलो यहां तक की बातें सबको क्लियर हो गई क्या जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में यहां तक की बातें सबको स्पष्ट हो गई हैं क्या जल्दी से बताइए तो फिर हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे यहां तक की बातें यदि आप लोगों को स्पष्ट हो गई होंगी तो हम लोग फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे यहां पर हमारी पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है चलो तो अब मैं दोस्तों आपको इसका एक क्विक रिवीजन करवा रहा हूं ताकि जो जो हमने पढ़ा है फटाफट से हमें रिकॉल हो जाए तो दोस्तों आज की क्लास की हमने शुरुआत की भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 में मध्य प्रदेश में वनों का क्या डाटा है ये हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोगों ने यह देखा कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार एमपी का जो वन क्षेत्र है वो है सतहत्तर हजार चार सौ बानवे दशमलव छह शून्य वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का पच्चीस दशमलव एक चार प्रतिशत है ये वाली बात ध्यान रखना और मध्य प्रदेश जो है ये भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है अर्थात भारत में वन क्षेत्र के मामले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश ये मध्य प्रदेश के लिए बड़े गौरव का विषय है और ये भी ध्यान रखना है कि भारत की वन भूमि का लगभग हिस्सा मध्य प्रदेश में है अगली बात हमने सीखी कि मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रफल में पिछली रिपोर्ट की तुलना में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है तो टेन पॉइंट वन वन वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन स्थिति रिपोर्ट दो हजार उन्नीस के अनुसार एम का जो वन क्षेत्र था वो था सतहत्तर दशमलव चार नौ वर्ग किलोमीटर था और अब कितना हो गया है सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव छः शून्य वर्ग किलोमीटर हो गया है इस प्रकार पिछली रिपोर्ट की तुलना में नई रिपोर्ट में टेन पॉइंट वन वन स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में एमपी में वृद्धि हुई है और ये भी हमने सीखा कि वन सर्वेक्षण 2021 में मध्य प्रदेश के पचास जिलों को शामिल कर रिपोर्ट तैयार की गई है चलो फिर हमने ये देखा कि शीर्ष पांच सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे है बालाघाट सेकंड नंबर पे है छिंदवाड़ा थर्ड नंबर पे है बैतूल फोर्थ नंबर पे है श्योपुर और फिफ्थ नंबर पे है आपका सिवनी ठीक फिर हम लोगों ने सीखा कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं तो न्यूनतम वन क्षेत्र वाले मध्य प्रदेश के जिलों में उज्जैन है सेकेंड नंबर पर है शाजापुर थर्ड नंबर पर है रतलाम

सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के पांच जिले याद रखना है और यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम वन प्रतिशत वाले मध्य प्रदेश के पांच जिले कौन कौन से हैं तो सबसे कम वन प्रतिशत है उज्जैन का जीरो पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट सेकेंड नंबर पे है शाजापुर वन परसेंट थर्ड नंबर पे है रतलाम वन पॉइंट फाइव फाइव परसेंट फोर्थ नंबर पे है राजगढ़ टू पॉइंट सेवन नाइन परसेंट फिफ्थ नंबर पे है मंदसौर फोर पॉइंट थ्री फाइव परसेंट तो इस तरीके से आपको इन्हें क्रम से याद रखना है ठीक फिर हम लोगों ने यह देखा कि वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भिंड जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है और यहां पर लगभग 120 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है पिछली रिपोर्ट में यहां का वन क्षेत्र था एक और अब हो गया है दो वर्ग किलोमीटर मतलब भिंड जिले के वन क्षेत्र में लगभग 120 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और सर्वाधिक कमी कहाँ पे देखी गई है तो बड़वानी जिले के वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी देखी गई है यहाँ पर 23.63 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कमी पाई गई है पिछली रिपोर्ट में यहाँ पर जो वन क्षेत्र था वो था नौ वर्ग किलोमीटर और अब कितना हो गया है नौ वर्ग किलोमीटर हो गया है तो याद रखिएगा 23.63 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में यहां पे कमी देखी गई है चलो फिर मध्य प्रदेश के वनों का मैंने घनित क्षेत्रफल बताया कि मध्य प्रदेश में अति सघन वन छ वर्ग किलोमीटर में है सामान्य सघन वन 34,209 वर्ग किलोमीटर में है ठीक है और जो खुले वन हैं ये छत्तीस वर्ग किलोमीटर में है इस तरीके से आपको ध्यान रखना है और तीनों को आप जोड़ोगे तो प्रदेश का वन क्षेत्र आ जाएगा वो है सतहत्तर चार सौ बानवे दशमलव वर्ग किलोमीटर इसके अलावा हमने ये देखा कि सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है तो सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला है बालाघाट जिला और यहाँ पे चौदह वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है सर्वाधिक सामान्य सघन वन क्षेत्र वाला जिला भी बालाघाट है और यहाँ पे सामान्य सघन वन क्षेत्र है दो वर्ग किलोमीटर और सर्वाधिक खुले वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है तो वो है श्योपुर सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट श्योपुर में है दो हज़ार तैंतालीस दशमलव छः छः वर्ग किलोमीटर यहाँ पे खुले वन है और लास्ट पॉइंट की हमने चर्चा की कि मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का आठ हजार चौवन वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है ये वृक्षावरण वाला क्षेत्र है ट्री कवर वाला एरिया है ऊपर हम लोगों ने वनावरण पढ़ा यहाँ पे हम लोगों ने वृक्षावरण का डाटा पढ़ा ट्री कवर एरिया का डाटा पढ़ा तो एम का जो ट्री कवर एरिया है वृक्षावरण वाला डाटा है वो है अस्सी चौवन वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण क्या होता है ये मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूँ यहाँ मैंने रिपीट नहीं किया है पिछली रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के वृक्षावरण में कमी आई है ये ध्यान रखना वनावरण में तो वृद्धि हुई है लेकिन मध्य प्रदेश के वृक्षावरण में कमी आई है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में नई रिपोर्ट में दो वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण में एम में कमी आई है ये वाली बात ध्यान रखिएगा ठीक है दोस्तों तो इस प्रकार से यहां पर हमारी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है यहां पर हमारी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है कुल मिलाकर के हमारी इसकी दो क्लासेस रही कल वाली क्लास में भारत से संबंधित वनों का जो डाटा है वो मैंने आपको दिया राज्यवार डाटा भी मैंने आपको दिया था और केंद्र शासित प्रदेशों में वनों की क्या स्थिति है वो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था और आज मैंने आपको इस रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में वनों की क्या स्थिति है वो मैंने आपको पढ़ा दी तो इस तरीके से दोस्तों हमारी भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है और आई होप आपको मेरी सभी बातें समझ में आई होंगी और आपने इस रिपोर्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ये वाली रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए पढ़ाई है दोस्तों क्योंकि ये वाली रिपोर्ट अभी हाल ही में पिछले महीने जनवरी में जारी की गई तो 24 अप्रैल को आपका प्री का एग्जाम होने वाला है और वहां पर इस रिपोर्ट से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं हो सकता है भारत के संदर्भ में पूछे या हो सकता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछे ठीक है तो जो भी बच्चे मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वाली क्लास काफी हेल्पफुल है इसके अलावा जो भी फॉरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वाली क्लास काफी हेल्पफुल रही और साथ ही साथ जो भी व्यापम के वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये वाली रिपोर्ट का डाटा आपके काम आएगा ठीक है तो ये वाली रिपोर्ट हमारी यहां पे कंप्लीट हो जाती है इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि अनएकैडमी प्लस पर मेरे द्वारा संपूर्ण एमपी जीके पढ़ाया जाता है तो यदि आप लोग कंप्लीट एम पी जी के कोर्स पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट एम पी जी के कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो अन प्लस पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरा नाम है प्रतीक जैन तो अन पर आकर के एम पी बी एस सी एंड व्यापम गोल सेट करना है और वहां पर आपको सर्च करना है प्रतीक जैन तो मेरे द्वारा जो भी क्लासेस चलाई जा रही हैं वो सब आप देख सकते हैं ठीक है अनएकेडमी प्लस पर आकर के आप मेरे पेड कोर्सेस देख सकते हैं और इसके अलावा सभी बच्चों के लिए फ़्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास भी मैं अनएकेडमी ऐप पर लेकर के आता हूँ तो अनएकेडमी ऐप पर आप मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं और फ्री क्लासेस को ही कहते हैं स्पेशल क्लास ठीक है और स्पेशल क्लास जो होती है इसका टाइम भी शाम को छः बजे ही रहता है ठीक है जिस दिन यूट्यूब क्लास होती है उस दिन स्पेशल क्लास नहीं होती लेकिन जिस दिन यूट्यूब क्लास नहीं है तो उस दिन स्पेशल क्लास जरूर होती है यहाँ पे और यहाँ पर मैं आपको एम पी के अलग अलग टॉपिक्स के एम करवाता हूँ साथ ही साथ अभी वर्तमान में मैं एम पी करंट अफेयर्स की सीरीज यहाँ पर चला रहा हूँ तो आप इसे देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है स्पेशल इस क्लास इसके अलावा अनएकेडमी प्लस पर मेरे द्वारा कंप्लीट एम पी पढ़ाया जाता है और कंप्लीट एम पी जी हर टॉपिक की थ्योरी पढ़ाता हूँ और उसके साथ साथ उसके एमसीक्यूज करवाता हूं मेन्स के प्रश्न भी वहां पर करवाता हूं तो इस तरीके से आप कंप्लीट एम के भी मुझसे अनएकेडमी प्लस पर पढ़ सकते हैं मेरा कोड है पी जे वाई टी लाइव ठीक है इस कोड को आप अप्लाई करके अनएकेडमी प्लस में टेन परसेंट का डिस्काउंट ले सकते हैं और अनएकेडमी प्लस पर आ सकते हैं और यही कोड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को भी अनलॉक कर सकते हैं जब भी आप स्पेशल क्लास देखने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे कोड मांगा जाएगा तो इसी कोड का आप प्रयोग करिएगा ठीक चल तो थैंक यू सो मच गाइस ये हमारा सेशन कंप्लीट हुआ अब हमारी जो नेक्स्ट मुलाकात होगी वो प्लस की क्लास में कल सुबह नौ बजे होगी तो वहाँ पर आप मेरी क्लास को देख सकते हैं चलिए थैंक यू सो मच बाय टेक केयर क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास से लाभान्वित